वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं। तो आज ये शिवरात्रि का ये ब्लॉग मेरा एक दिन बाद जाएगा। ये आई होप कि जब तक ये ब्लॉग पर डालूंगी मैं तब तक शिवरात्रि खत्म हो, लेकिन कोई बात नहीं, कमेंट में जरूर हर हर महादेव सारे लोग लिखेंगे मुझे। जितने लोग भी मेरे वीडियो को देखेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखेंगे। आप सभी को मेरे तरफ से हर हर महादेव। बहुत ही खास दिन है महिलाओं के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए आज बहुत ही खास दिन है। शिवरात्रि का व्रत जरूर जरूर से सभी लोग रहे। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और ये मतलब शिवरात्रि के सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं शिवरात्रि के दिन ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं क्या मतलब मैं बिल्कुल भी बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। मैं व्रत थी और व्रत की वजह से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बस थोड़ा सा मैं उसका क्लिप यहाँ पे जो निकला हुआ है ना, ये शंकर भगवान का बारात निकला हुआ था, मैं उसका क्लिप मैं आगे आप लोग को वीडियो में जरूर थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा से यहाँ का मधेश्वर मंदिर हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, वहाँ मतलब शंकर भगवान का बारात निकला हुआ था, बहुत बहुत ही अच्छा है। आगे वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। बस थोड़ा सा क्लिप मैं दिखाऊंगी, बाकी ज़्यादा कुछ मैंने शिवरात्रि के दिन किया नहीं। मेरी तबीयत खराब हो जाने की वजह से आज जा करके थोड़ा सा मुझे राहत मिला है, थोड़ा आराम मिला है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। मैं चाय को पहले छान लूँ अपने लिए, बिना चीनी का मैं चाय निकालती हूँ, उसके बाद से बच्चों में थोड़ा सा डालूंगी चीनी। मेरे सारे ग्रोसरी के सामान खत्म हो रहे हैं, ये डब्बे में जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, सिर्फ इतना ही सब कुछ बचा हुआ है। और अब सोच रहे हैं थोड़े दिन तो ये चलेगा, अभी फिर होली आने वाला है, तो फिर होली के टाइम ही एक ही बार सारा बाजार होगा अच्छे से। डिब्बा जब भरा रहता है पूरा रहता, देखने में अच्छा लगता है, वरना मुझे तो बहुत ही इरिटेशन होने लगता है जब मेरे डब्बे खाली होने लगते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड को मैं कूल रख रही हूँ, क्योंकि फरवरी का महीना और मार्च का महीना बहुत बहुत ही डिफिकल्ट होता है, सबके लिए ही होता होगा, हमारे लिए ही नहीं। फरवरी और मार्च में बहुत ही सोच समझ करके चलना होता है, तो होली के टाइम पर ही हमारे घर के ग्रोसरी के सामान पूरे आएंगे। हालांकि अभी चल जाएंगे कुछ दिन, अभी चलेंगे 10-15 दिन का भी है, सब कुछ चल जाएगा। तो मैंने बना लिया यहाँ पे फटाफट से चाय। हस्बैंड की भी आज छुट्टी थी, लेकिन पता नहीं किसी से मिलने गए हैं बीएचयू में। और ये देखिए इतने अच्छे ये कड़े दिख रहे, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल नग लगा हुआ, इतने अच्छे कड़े हैं ना, पता नहीं इसमें के दोनों ही टूट गए, इसमें के बचा है, तो अब ये बेकार ही हो जाएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा अभी। कोई कुछ भी अगर किसी को हो जाता है ना, तो लगता है जैसे सबसे खतरनाक बीमारी वही है जो मतलब किसी को हुआ है। जैसे कल मेरे पेट में दर्द हो गया था ना, तो मतलब मैं सोच रही थी कि हे भगवान, सबसे खराब बीमारी पेट दर्द गया है, किसी को ना हो। चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए, मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आप सभी से। आप सबके लिए भी चाय। सो
गाइस देख लीजिए, यहाँ पे शंकर भगवान का बारात निकल रहा है और कितनी सारी भीड़ है यहाँ मंदिर पे। कल तो मतलब शिवरात्रि के दिन हर मंदिर पे ही इतनी सारी भीड़ थी ना कि क्या बताएं। बहुत ही अच्छे से, बहुत धूमधाम से, ये देखिए छोटे से शंकर भगवान बने हुए हैं, इसी तरह से हर जगह झांकी बना बना करके शंकर भगवान के बारात निकाले थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, हम भी देखने गए थे। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, बस थोड़े ही दूरी पर है, तो इसलिए बच्चे ज़िद कर रहे थे। तो रात में पापा इनके आए तो बोले चलो तुम लोग को मेला घुमा देते हैं। तो फिर बच्चों को लेकर के गए, हमारी तो बहुत ही तबीयत ख़राब थी, तो उस समय हमको डॉक्टर को दिखाना भी था इसलिए हम भी गए। लेकिन मतलब इतनी सारी भीड़ थी, हर जगह रास्ते इतने ब्लॉक थे कि मतलब कहीं भी हम लोग डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहे थे। तो थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर के हम लोग भी देखे शंकर भगवान की झांकी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम शंकर भगवान का परछावन हुआ, द्वार पूजा हुआ, जैसे सचमुच का बारात होता है ना वैसे बिल्कुल हुआ था। एकदम डीजे वजे बज रहा था, सारे लोग एकदम मस्ती में झूम रहे थे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था ना कि ऐसे मतलब किसी नॉर्मल आदमी का बारात नहीं जा रहा है, लग रहा था जैसे सच में किसी का बारात निकल रहा है। ढोल बाजे ताशे और ये रथ होता है उस पर बैठ करके शंकर भगवान आए थे। और कॉपीराइट की वजह से मैंने गाने को म्यूट कर दिया है। बाप बेटे की मस्ती क्या चल रहा है यहाँ पे? बेटी की ड्राइंग। सावा दू क्या होता है? पता नहीं। हाँ अच्छा है। हाँ हाँ अबे ना ना दो चलो करो जल्दी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनका कपड़ा प्रेस, क्योंकि अब फिर मंडे से इनको ऑफिस जाना होगा, तो एक भी पैंट रह नहीं गया था, सारे ही सारे पैंट मैंने धुल दिए थे। संडे के दिन सारे ही इनके कपड़े धुल देते हैं और फिर मंडे से लेके सैटरडे तक फिर वही चलता रहता है। तो फिर कितना भी लेडीज़ बीमार हो चाहे कुछ भी हो, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। एक दिन अगर हम सो जाएं तो फिर घर बिखर जाता है, लेकिन किसी को ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। हमारी परवाह किसी को उतना, हम लोग के काम की किसी को अहमियत ही नहीं होती है कि हम लोग घर में क्या करते हैं, क्या मेहनत करते हैं। लेकिन एक दिन अगर हम लोग घर में ना करें ना तो घर बिल्कुल मतलब क्या हो जाता है एकदम। तो फिर यहाँ पे हम दिखा करके डॉक्टर को आए तो फिर सोचे कि थोड़ा सा मुझे आराम मिला, तो मैं सोचे कि चलो दो चार पैंटिंग का मैं कर ही देती हूँ, ना तो फिर से कल से इतने ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। और एक दिन मैं सो गई थी इसी की वजह से इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने इनका कुछ पॉइंट को कर भी दिया और मंडे से बच्चों को भी स्कूल जाना है, इनकी ऑफिस भी रहेगी, तो फिर उसकी भी तैयारी करनी होती है। रात से ही सारे तैयारी करके ना रखे तो फिर सुबह तो जल्दी जल्दी में कुछ हो ही नहीं पाता है। तो फिर आगे आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और आप ब्लॉग को पूरा पूरा प्यार और सपोर्ट दिया कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। बहुत आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। थैंक यू सो मच। थक चुकी हूँ अब मैं, फिर से टाइम हो गया मेरे किचन में आने का, भी रात का टाइम है। मैं जा रही हूँ आलू बैगन की सब्जी बनाने। अभी इतना कपड़ा प्रेस किए हैं, बाप रे मैं तो एकदम पागल हो जा रही हूँ काम करते करते, लेकिन क्या किया जा सकता है भाई। कल बस मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं नहीं कर पाई थी, तो आज इतना काम बढ़ गया ना क्या करें। औरत अगर एक दिन सो जाए ना तो घर का, मैं फटाफट से आलू छील रही हूँ। उतने देर में बच्चे लोग घर पे हैं तो कुछ ज़्यादा ही उन लोग को भूख लगती है जल्दी से। रोज 9 बजे तक खाना खाते हैं और आज 7 बजे ही सबको भूख लग गई है। अब वहाँ से मैं कपड़े जब प्रेस करके आई, अब वहाँ से मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ, उसके बाद से उन लोग को देंगे। थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, भाग दौड़ भाग दौड़। तो चलिए वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं क्योंकि काम करने में भी बहुत टाइम होगा और बातें करते करते अगर मैं काम करूँगी तो फिर से मेरा 9 बज जाएगा और ये लोग घर में तूफान मचा देंगे लोग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि, बाय बाय।